हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ बिजनेस पे। आज हम आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास में इस तरह की खाली जगह है या फिर आपके पास में खाली जगह नहीं है, सिर्फ आपके घर की छत है, तो आप उसी छत से हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए घर बैठे कमा सकते हो। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये जो प्रोडक्ट्स हैं तैयार किए जाते हैं और कंपनी आपसे डायरेक्टली इन सभी प्रोडक्ट्स को खरीद लेती है। इससे अच्छा आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, सिंपली आपको अपने घर पर इन चीज़ों को बनाना है एक मशीन के द्वारा, जो मशीन हम आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और इस मशीन से आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मशीन दो तरीके की है, मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। जो भी मशीन आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो बिल्कुल मुफ्त में आप लोगों को मिल सकता है। इसके लिए आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। अभी हम आपको पूरा यहाँ पर लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही है। ये भी एक कंपनी का घर नहीं है, जो कि एक बंदा है जो कि इन चीज़ों को कर रहा है। ऑलरेडी वो व्यक्ति ये काम कर रहा है मशीन को परचेज करके, और वो अभी हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। ये जो मशीन आप लोगों को दिख रही है बिना किसी बिजली के चलने वाली मशीन है। इसके लिए बिल्कुल भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। आप इस मशीन को कहीं पर भी लगा करके रख सकते हैं। और अभी आपको ये पूरा प्रोसेस मैम कैसे किस तरीके से चीज़ें होती है बता सकते हैं? हाँ जी सर, ये 6 कप वाली मशीन है जो बिना बिजली के चलती है और इसमें 1 साथ 6 कप बनाए जाते हैं। 1 साथ 6 कप बनाया जाता है, ठीक है। जो ये रॉ मटेरियल है ये क्या चीज़ है? सर ये लकड़ी का बुरादा है। लकड़ी का बुरादा है, अच्छा। ये लकड़ी का बुरादा या फिर आपने जो गाय का गोबर रहता है उसका काव ढंग से भी इसमें बना सकते हैं। काव ढंग से भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपकी कंपनी सभी चीज़ों को परचेज करती है? जी बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट लेती है। अच्छा, बाई बैक लेते हैं, डायरेक्ट आपको ये सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको बनाने का प्रोसेस बता सकते हैं किस तरीके से चीज़ें बनाई जाती है बताना भाई? मतलब कि जो ये छेद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये मटेरियल जो ये छेद है, इन छेद के अंदर इस मटेरियल को भरना होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया, बस इतना ही काम होता है, बस छेद के अंदर मटेरियल डालना होता है। बाकी ये अपने आप ही बन करके तैयार हो जाता है, उसके बाद में इसको सुखाने की जरूरत पड़ती है। अच्छा गाइस, देख पा रहे हो कितनी आसानी से चीज़ें तैयार हो रही है। और ये देखिए, ये देखिए, ये बन करके तैयार हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, जो मैं आपको बताऊं, अभी इनको छत पर कहीं पर भी सुखा देना है। सूखने के बाद में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और कंपनी को आप डायरेक्टली ये चीज़ें सेल कर सकते हो। एंड सेकंड मशीन जो है वो बिजली वाली मशीन है, उसका भी हम देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करती है। अच्छा, इसके अंदर कैसे क्या होगा मैडम? सर ये सिंगल कप वाली मशीन है, ये विद इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। मतलब इससे प्रोडक्शन जो ये बिना बिजली की मशीन से ज़्यादा होता है? जी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको करके दिखाना प्रोसेस। अच्छा, इसको भी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ठीक है। इतना बेस्ट ये बन करके निकल करके तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये काम कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली इसको इसके अंदर डालना होता है और इसका जो ये बटन होता है इसको ऊपर कर देना होता है, अच्छा इसको घुमाना होता है ऐसे, और ये चीज़ें तैयार हो जाती है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये चीज़ें बन करके हमारी रेडी हो चुकी है। और अभी हम आपको बताने वाले कि कंपनी किस तरीके से आपसे ये प्रोडक्ट खरीदती है, जिससे कि आपको मार्केट में सेल करने की जरूरत ना पड़े डायरेक्ट। जैसे कि मैम आपने बताया कि कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो आप जो बना बनाया माल होता है आप परचेज कर लेते हैं, आपकी कंपनी खरीद लेती है, ठीक है। मतलब कि वो इस तरीके से आपको बना करके तैयार करके देते हैं? हाँ जी का। ठीक है, इसके लिए जो गाय के गोबर का यूज होता है वो तो कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसका क्या होता है? सर इसके अलावा इसमें प्रीमिक्स पाउडर और बर्निंग पाउडर भी चाहिए होता है, तो कंपनी प्रोवाइड करता है, आपकी कंपनी से वो परचेज कर सकते हैं। और इस तरीके से ये चीजें तैयार होती है? हाँ जी, इसके अंदर की फिलिंग हम खुद से करते हैं, कस्टमर को सिर्फ खाली कप बना के देने, कस्टमर को खाली कप देना होता है, जो अंदर का है ये आप करते हैं, ठीक है। और ये इसका स्टैंड होता है, मतलब कि ये वो चीज है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में सुबह शाम दीपक की तरह जला सकता है, ऑफिस वगैरह स्कूल कॉलेज में हर जगह पर यूज होता है, तो ये चीजें हैं। या फिर मतलब कि इस तरीके से भी इसकी पैकेजिंग करके मार्केट में भी सेल कर सकते हैं जी, अगर कस्टमर को खुद की मार्केटिंग करनी है तो वो इस तरीके से भी सेल कर सकते हैं, इस तरीके से सेल कर सकते हो। देख सकते हो गाइस, आप सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। आप चाहो तो इसे अपने लोकल एरिया में खुद से सेल कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो डायरेक्टली कंपनी को आप सेल कर सकते हो, भेज दीजिए।
साथ में दोस्तों आप लोग इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सेल कर सकते हो, जैसे कि आप अमेजोन के ऊपर सेलर अकाउंट बनाकर इसे मार्केट में ऑल ओवर इंडिया सेल कर सकते हो। वहां पर इसका प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कई गुना ज्यादा मिल जाता है। और जो ये जो कंपनी आपसे बाईबैक खरीदेगी वो इस तरीके से, उनकी कंपनी का नाम है देवघर दर्शन, जो कि देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से इसकी ब्रांडिंग होती है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। इस तरीके से पैकेजिंग करके कंपनी मार्केट में से सेल करती है और यहीं से कंपनी का माल ऑल ओवर इंडिया निकल करके जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कस्टमर को क्या करना पड़ता है? सर, कस्टमर को सिर्फ मशीन परचेज करनी होती है, उसमें प्रोडक्शन करके कंपनी को सेल आउट करना होता है। मतलब कस्टमर को सिर्फ मशीन आपसे परचेज करनी हो, मैनुअल भी खरीद सकता है, ऑटोमेटिक भी खरीद सकता है, डिपेंड उसके ऊपर है कितना क्या बजट है, उसके बाद में काम आप बेझिझक शुरू कर सकते हैं।